हाँ सर नमस्कार, YouTube चैनल निवाशा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक नए वीडियो लेके आपके सामने आ चुका हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नारियल के पौधे बहुत बढ़ जाते हैं, उसमें रेशे रेशे आ जाते हैं पौधे में, उसको साफ कैसे करें, पौधे में कई सारे तकलीफ आते हैं, फल आते हैं, फल नहीं रुकते, ऐसे कई सारे समस्या होते हैं। जैसे कि अब ये पौधे को देख सकते हैं, तो वे पौधा जो देख सकते हैं बहुत बड़ा साइज का ही पौधा है। पौधे में देख सकते हैं तो फूल भी आए हैं, थोड़ा क्वालिटी खराब है ना, थोड़ा धूप के कारण ऐसे दिख नहीं रहा है। तो देख सकते हैं कितने सारे फूल भी आए थे, वहाँ पे रुके नहीं है एक भी फूल। जैसे आपने देखा कि पौधे के ऊपर जो रेशे रेशा हुआ उसको साफ करने वाले, आज मैं खुद ही पौधे को साफ करने वाला हूँ। फिर पौधे में आज हम कैसे उसमें खाद डालते, कौन कौन से खाद डालने वाले हैं, और वीडियो के आखिरी में एक नारियल के पौधे के बारे में एक यूनिक जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। तो पौधे में चढ़ने के लिए एक सीढ़ी चाहिए और इस तरह का एक काटने का हथियार चाहिए, इसकी जगह आप चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत धार है इसमें। तो देख सकते पौधे में फूल भी आया जिसमें फल नहीं रुका है। तो क्या पौधे के ऊपर चढ़ा हूँ, ऊपर से दिखा रहा हूँ। जो रेशे होते हैं, रेशे के अंदर कीड़े रहते हैं, जो पौधे में जब फूल आते हैं तो उसको गिरा देते हैं। देख सकते इस साइड में भी आया है एक फूल जिसमें फल नहीं रुका है अभी भी। तो बहुत सारे फूल आए हैं तो इसको साफ करने वाले हैं आज इस वीडियो में। देख सकते हैं पौधे के ऊपर जो है ये चूहा ने टट्टी किया है, जो पौधे पे चूहा था, इसके बाद दवाई डालने के बाद पौधे के ऊपर से चला गया चूहा, उसके बाद फिर से पौधे में फल नहीं रुक रहे, तो इसके अंदर अभी भी चूहा हो सकता है, पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। देखिए कितना सारा चूहा था, इसे देख के लग रहा है, ऊपर से देख सकते हैं कितना पूरा रेशा रेशा भर गया है पौधे में, जो साफ भी किया, थोड़ा थोड़ा साफ भी किया, वो देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पौधे के अंदर कितना सारे कीड़े हैं, देखिए हिल रहा है कीड़े, तिलचट्टा है ये, देख सकते हैं तिलचट्टा है ये जो कीड़े, फूल जब निकलते हैं उनके रस खा जाते हैं कीड़े, तो इसको बिल्वो डालने से, जैसे बिल्वो होते हैं तो उसको डालने से कीड़े मर जाते हैं। कितना सारा कीड़ा है, पौधा साफ करते वक्त निकला है। तो फाइनली पौधा साफ हो चुका है, नीचे देखते हैं कितना सारा है, वो जो ऊपर से बाल के जैसे रेशा रेशा है वो निकला है, और तीन चार तो फूल आया जिसमें फल बिल्कुल नहीं रुका था, तीन चार तो फूल आया इसे। तो पौधे में जैसे कि देखे वीडियो में कीड़ा था पौधे में, कितने बड़े साइज का किलचट्टा था, फिर कई सारे क्रॉप्स नाम से भी कीड़ा था, वो कीड़ा भी था। तो इसको मारने के लिए हमें चाहिए बिल्वो 505 के कॉम्बिनेशन में, किसी तरह के भी बिल्वो ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये रिल्वो कंपनी का है, बिल्वो 505, तो मैं जो बिल्वो 505 देता हूँ उसी कॉम्बिनेशन में है ये रिल्वो नाम से आया है, रिल्वो 505। तो इसको डालने वाले हैं आज पौधे में, तो उसके लिए मैंने लिया है करीबन 10 लीटर पानी है। इसको आधा बोतल डाल रहा है और 250 ml का ये बोतल है। तो इसको अच्छे से गंदे से मिला लेना है, इसको मिला के नीचे
ऐसा घोल बन जाएगा। इसे घोल बनने के बाद इसको इसे 2 लीटर का जो बोतल होता है पानी का उसमें भर लेना है इसको। इसको इसमें भर लेना है 2 लीटर के बोतल में। बोतल के नोट को पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है इसमें लिखा है। तो पौधे में बिल्बो डाल दिया हूँ। पौधे में जैसे ही बिल्बो डाला उसके ऊपर से तिल चट्टा और एक बड़ा सा छिपकली निकला था मेरे ऊपर, गिर रहा था वो छिपकली तो ऊपर चला गया वो छिपकली। तो आज हमारा मेन अब जो मेन खाद बनेगा वो बनेगा पौधे के जड़ में जो डालना है वही खाद बनेगा। तो उसके लिए मैंने लिया है पोटाश, लिया है खड़ा पोटाश है, देख सकते हैं पूरा खड़ा पोटाश है ये, इसमें मिलावट नहीं सिर्फ प्योर पोटाश है इसमें। तो यहाँ पर करीबन 4 किलो है, यहाँ से मैं 2 किलो पोटाश लेता हूँ। करीबन 2 किलो पोटाश है ये। उसके बाद डालेंगे DAP। तो ये जो DAP है ये देख सकते हैं DAP है, 4 किलो है इसमें DAP, जो 4 किलो DAP देते हैं। उसके बाद है NPK, ये NPK पावर है और 2 NPK डालेंगे, NPK पावर और ये रहे NPK, सिर्फ सिंपल NPK है। इसमें क्लोरोफिल की मात्रा इसमें डालने से थोड़ा ज़्यादा होगा इससे कम। इस NPK में N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटेशियम आते हैं। पोटेशियम की मात्रा कम है इसमें, तो पोटेशियम जो होते हैं जो मैंने वो पहले जो पोटेशियम डाला ये वाला, ये जो पहले जो पोटेशियम डाला था, ये पोटेशियम डालने से पौधे में जो क्लोरोफिल की मात्रा अधिक बढ़ता है, पौधे में जड़ के वृद्धि के लिए काफ़ी बहुत सहायक होते हैं, पौधे के बढ़वाल में ये बहुत ही मदद करते हैं। उसके बाद इसमें जो हमारे NPK है वही डालेंगे इसको पहले। यहाँ पर करीबन 3 किलो NPK है, ये पौधे में बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा खाद डालने वाले पौधे में। NPK डाल दिया और ये NPK पावर है, इसका रेट थोड़ा ज़्यादा आता है, ये 50 रुपये से 60 रुपये किलो में मिल जाएगा। और जो नॉर्मल NPK होता है वो आपको 20 रुपये 25 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पर करीबन 1 किलो है NPK पावर। उसके बाद डालेंगे हम SSP, जो SSP है पाउडर फॉर्म में SSP। आप इसके जगह दाना वाला भी ले सकते हैं, SSP का काम थोड़ा जल्दी करता है। यहाँ पर करीबन मैं इसमें 2 किलो SSP डाल देता हूँ। SSP नहीं डालने से भी चल जाएगा, लेकिन NPK जरूर से डालिएगा आपके पौधे में जब अप्लाई करोगे। तो करीबन मैंने 2 किलो NPK डाल दिया हूँ, 2 किलो NPK डाल दिया हूँ। और उसके बाद है मेरा मेन खाद। तो ये है जो कोकोनट मिक्सचर जो मैं हर पौधे में डालता हूँ, हर पौधे में डालने के लिए बोलता हूँ। इस पौधे का बढ़िया रिजल्ट है, इसमें डालने से आपके पौधे का बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आप एक बार ऑर्डर करके देख सकते हैं, पौधे में डाल के देख सकते हैं। कई सारे लोग ने ऑर्डर किया, उन लोगों ने बोले खाद का अच्छा रिस्पॉन्स है, पौधा बढ़िया काम करता है पौधे में खाद। तो इसको करीबन मैं 1/2 किलो डाल रहा हूँ, इसमें 1/2 किलो का पैकिंग आता है जो कि आप बड़े पौधे में एक बार दे सकते हैं, अगर छोटा पौधा रहे तो उसमें 2 बार दे सकते हैं खाद को। डाल दिया हूँ, अब इसको अच्छे से मिला लेना है। नीचे का पोटाश नहीं आ रहा है ऊपर में, अच्छे से मिला लेना है इसको। खाद मिल चुका है देख सकते हैं। तो खाद मिलाते पौधे को साफ करते करते देख सकते हैं कैसा हाल हो गया कपड़े का। तो इसको पहले से दूर से थोड़ा गुड़ाई कर लेना है, पौधे से दूरी बना के गुड़ाई करना है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही खाद डालने वाले हैं पौधे में। तो पौधे के चारों साइड से डाल देना है थोड़ा दूरी बना के।
तो पौधे में खाद डाल दिया हो चारों साइड से, अब इसमें मिट्टी से ढक देना है। तो पौधे को जैसे बिल्बो डाला था तो उससे कीड़ा निकल रहा है, देखिए तिलचट्टा इस तरह से होता है, ये पौधे का जो बीज का जो सिरा होता है वो खा जाता है तिलचट्टा, देख सकते हैं कितना बड़ा साइज का है तिलचट्टा, सीधा नहीं हो रहा है, ये देख सकते हैं कितना बड़ा तिलचट्टा है, चल भी रहा है देख सकते, और दवाई डाला इससे कलर चल कम पा रहा है, उसको ऐसे डालने से तिलचट्टा क्या है मर जाएंगे या भाग जाएंगे ऐसे कुछ होगा। तो पौधे को चारों साइड से मिट्टी से ढक दिया उस साइड से, इसमें इस साइड में थोड़ा मिट्टी डालना है। पौधे में फाइनली खाद डालना हो चुका है, अब इसमें पानी डालेंगे। इसमें अभी दो तीन दिन तक लगातार पानी डालना है जिससे पौधे में पानी का अवेलेबल बने रहे क्वांटिटी, तो इसमें दो तीन दिन तक इसमें पानी डालेंगे। तो पौधे में पानी डाल दिया हूँ, तो जैसे कि आपको मैं बताया था कि वीडियो के एंड में एक आपको जरूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे आपका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो अगर आपके नारियल के पौधे के तना फट के ऐसे ही जड़ निकल रहा है, इसके मतलब आपके पौधे में जल्दी फूल आने वाला है, फूल आ चुका है। जैसे ही तना फट के फूल निकलेगा इसका मतलब है आपके पौधे में फल आ गया है। तो ये लोकल पौधे में ऐसे होता है, हाइब्रिड प्लांट में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपके पास लोकल प्लांट है ऐसा जड़ निकला है, इसका मतलब आपके पौधे में फूल आ चुका है, फल आने वाला है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।